अरे बात आज बजरंग बली से माँ, बात आज बजरंग बली से सपने में कर ली मम्मी, बात आज बजरंग बली से सपने में कर ली मम्मी। अरे बजरंगी ने गदा भी देने की हा भी कर दी मम्मी, बजरंगी ने कोटा देने की हा भी कर दी। उस बालक के भाव के हैं मम्मी, सपने में मेरी बजरंग बली से बात हो गई, बजरंग बली ने भी हा कर दी गोटा देने की। अरे बजरंगी ने गोटा देने की हा भी कर दी मम्मी, बजरंगी ने गोटा देने की हा भी कर दी मम्मी। और मम्मी अरे दुश्मन के सर गदा से मैं अब, अरे दुश्मन आतंकियों के सर, अरे दुश्मन के सर गदा से अब मैं चूर चूर कर दामा, चूर चूर कर दूंगा माँ, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा। खेलने वालों को मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, क्रिकेट खेलने वालों को सरकार बहुत सारा पैसा देती है, मगर शहीदों को उतने पैसे नहीं मिलते हैं। करोड़ों रुपए लुटाती है खिलाड़ियों पर, मगर शहीदों को उतने पैसे नहीं मिलते। मगर उस बच्चे की भावना ने कहा मम्मी मुझे बालाजी ने अब गोटा देने की हां कर दी है, मैं खुद जाऊंगा दुश्मनों के सर चूर चूर कर दूंगा। मम्मी ने कहा बेटा तू ऐसी मत बात कर, अरे तू खेलने की उम्र में ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बात मत कर, चल मेरे साथ में तुझे खिलौने दिलाती हूं। हा हा हा, तब उस बच्चे ने कहा कि मां जिसका पिता मर गया शहीद हो गया, मुझे बचपन में छोड़कर मेरे पिताजी शहीद हो गए, अब मुझे खिलौनों की क्या आवश्यकता। उस बच्चे ने क्या कहा कि हे मां आज गोलियां और राइफल, आज गोलियां और राइफल सुन ले मेरे खिलौने हे मां, अब मुझे उन खिलौनों की जरूरत नहीं, मेरे पापा शहीद हो गए, अब मुझे तो ये ओरिजिनल ये जो राइफल ये मेरे खिलौने हैं, क्योंकि मां आज गोलियां और राइफल सुन ले मेरे खिलौने हैं, सर पर मेरे हाथ है जिनका वो तो श्याम सलोने हैं, सर पर मेरे। और मित्रों हर आदमी के बेटा होता है छोटा बच्चा, अब शहीदों के भी उस बेटे की भावना, जब अपना बच्चा अपन जब काम पे जाते हैं नौकरी पे जाते हैं तब हर बच्चा अपने पिता से क्या कहता है, आपको अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाना, सुनेगा वो बच्चा अपने बाप से क्या कहता है, हे पिताजी अरे पापा ड्यूटी से जब आना, पापा ड्यूटी से जब आना छोटी सी गुड़िया लाना, पापा ड्यूटी से तुम आना छोटी सी गुड़िया लाना, ले आना या ना लाना पर पापा जल्दी घर आना, ले आना या ना लाना पर पापा जल्दी आ जाना, ले आना या ना आना। हर बच्चा अपने बाप से प्यार करता है, तो अब आप सोचो उन शहीदों के बच्चों का क्या होता है जो बाप भारतवासियों के भारत के लिए प्राण न्योछावर कर दे और उस मां को 1.5 लीटर केरोसिन के लिए चप्पलें घिसनी पड़ती है पंचायत में जाकर, उस मां को पेंशन लेने के लिए 50 बार बुलाया जाता है, तब वो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे पिताजी ने भारत के लिए जान कुर्बान कर दी और ये लोग अब मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं। मित्रों भारत के प्रति ऐसा भाव रखे, समर्पण रखे, जिस प्रकार अपनी मां से हम प्रेम करते हैं उसी प्रकार भारत से भी प्रेम करेंगे तो ये भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनेगा और भारत का यशगान पूरे विश्व में, वैसे तो अभी बोल ही रहा है
क्योंकि हमारे हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बने, चारों तरफ झंडा गाड़ रखा है उन्होंने, पूरे विश्व में हर जगह भारत माता की जय गाश होती है। क्योंकि मित्रों, जो भारत का नहीं, जो भारत के काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। उस बेटे ने कहा, पापा अरे ले आओ या ना लाना, पर पापा जल्दी घर आना। ले आना या ना आना, पर पापा जल्दी आना। हो पापा आप हो जान मेरी, पापा आप हो जान मेरी, जान कहाँ मैं ढूंढूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा। सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा। मैं धनुष बाण श्री राम से लेकर, धनुष बाण श्री राम से लेकर चक्र कन्हैया से लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा। ये मैंने भजन पहली बार गाया है, राष्ट्रगीत पहली बार गाया, किस किस को पसंद आया देखे हाथ उठा करके ताली के साथ बजाएं। और वीडियो शूटिंग करते हुए पीआरजी में लाइव आएगा। बोल भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये तुलसीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बोलो हाथ उठाकर के, सारे जहां से अच्छा। माता की।